गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है वेडनेसडे और आप वेदर देख रहे हैं, स्मोक बहुत ज़्यादा है। मुझे तो यही लगता है कि पॉल्यूशन ही है, दिखता फोग जैसा है। आप देखिए सूरज पे भी किस तरह से चादर चढ़ी हुई है, लेकिन इस मौसम में फोग का तो सवाल नहीं उठता, तो ये पॉल्यूशन ही है। सिटी एरियाज़ में नहीं मिलेगा, ये केवल आउटर एरियाज़ पे दिख रहा है। सबसे पहले हेलो एवरीवन करो। तो टुडे तथ्य इज़ नॉट फीलिंग वेल और उसको थोड़ा सा फीवर हुआ है और थोड़ा सा मतलब 100-101 और यहाँ पे एक उसके कट लगा हुआ है, तो वो आपको दिखाएगी तथ्य। यहाँ पे उसके कट लगा हुआ है, तो शी इज़ नॉट ओके नाउ। मैं आपको भी बताऊँ कि सुबह मैंने आपको वेदर दिखाया था, बड़ा अजीब सा वेदर था। मैंने उसको मेडिसिन दी है, तो सुबह बड़ा अजीब सा वेदर था, वो मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद मैं आपसे बात नहीं कर पाई, अपना रूटीन वर्क निपटा कर मैं बस अभी बैठी हूँ। और अभी ये मेरे पास जो है ये एक वुडन फ्रेम है, कान्हा जी का झूला मैंने बनवाया था अलग अलग दो पीसेस में, मैं आपको दिखाऊंगी। बट अभी मैं इसको डेकोरेट करने के लिए बैठी हूँ। हमने थर्मामीटर से फीवर चेक किया था। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी की तैयारियां इसलिए चल रही हैं, वैसे भी मुझे जन्माष्टमी हमेशा मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ, पर अब आपको एक सरप्राइज़ है आपके लिए। जन्माष्टमी पे मेरे जो ठाकुर जी हैं, जो कान्हा हैं, उनका भी बर्थडे होता है। हमने उनकी स्थापना जब की थी तो जन्माष्टमी पर ही की थी, तो डबल सेलिब्रेशन है, बर्थडे है ठाकुर जी का और प्लस वो भी है। और कान्हा जी का हैप्पी बर्थडे आज हम आपके लिए, कान्हा जी के लिए केक बनाएंगे। ये बेस क्लॉथ हमने चारों तरफ से ऐसे ही चिपका दिया, इसको पेस्ट कर दिया ग्लू गन से। झूले की थीम है पिंक कलर, तो आप पिंक कलर की लेस ली और एक पिलर पर तेज़ी से लपेट कर उसको पेस्ट कर दिया। और अब नीचे की बाउंड्रीज देखनी है, वो भी कवर करनी है, वुड नहीं दिखनी चाहिए बेसिकली, तो ये भी मैंने एक लेस से इसको कवर कर दिया। और ये जिससे कि ऊपर जो कपड़ा निकला था वो भी दबा दिया। और अब ये कुछ एम्बेलिशमेंट बनाया है और उसको मैं ऊपर से पेस्ट कर रही हूँ। ये काम जल्दी जल्दी करके मुझे फिर स्नैक भी बनाना है। अन्नी आ गए हैं और अभी चाय और नाश्ता चाहिए कुछ हमें, तो बस वो करना ज़रूरी है। वो बनाऊँगी पनीर टिक्का। ग्रिल पैन पर मैंने हल्का सा ऑयल लगाया और ये देखिए अब इसको एक एक पीस को हमें पलटना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये मैंने पलटा है, अभी कुछ पीसेस थोड़े से ब्राउन हुए हैं और कुछ गोल्डन ब्राउन नहीं हुए हैं, अभी हो जाएंगे। तो ये होममेड पनीर है फ्रेंड्स, ये होममेड पनीर है। हम लोग हमेशा घर में पनीर निकालते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं। अब मैं इतने ये फ्राई होता है इतने में शिमला मिर्च काट लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये फ्राई हो चुका है, अब हम इसको निकाल के इसमें कैप्सिकम फ्राई करेंगे। कैप्सिकम भी मैंने ऐसे ही डाली है और बस इसको ऐसे ही मैं ऐसे टॉस करके फ्राई करूँगी। थोड़ा सॉफ्ट सी जब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो ये कड़वाहट छोड़ती है, थोड़ा सोर सा टेस्ट हो जाता है इसका, तो बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ा हार्ड भी रहे। टॉस करते रहना है वरना ये लग जाएगी बेकार में। टॉस आपको ऐसे ही करते रहना है ताकि ये चारों तरफ से सिके। और अभी क्योंकि हाफ कुक हो चुकी है, जितना हमें कुक करना है हाफ कुक हो चुकी है, तो मैं ये टोमेटो भी साथ में ही डाल रही हूँ।
ताकि ये भी कुक हो जाएं, वरना क्या होता है ना टोमेटोज मेल्ट हो जाते हैं ज़्यादा जल्दी। और फ्रेंड्स साथ में बन रही है चाय, गर्मा गर्म चाय स्नैक्स के साथ। एंड इसमें थोड़ा सा नमक हमें डालना है, ब्लैक पेपर, और ये पनीर के पीछे। ये मेरे पास पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस है, एक चम्मच ये, नॉर्मल केचप, थोड़ा सा ये, और मेरे पास बनी हुई है ग्रीन चटनी, थोड़ा सा ये। और अब आप इसमें अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो ये बन गया शाम का स्नैक विद टी। टी भी तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी बन रहे हैं आलू बैंगन, और रात के खाने में आज बहुत लाइट रखा हुआ है, मलका की दाल और आलू बैंगन की सब्जी। जीरा और धनिया और हींग, धनिया पाउडर और हींग, और ये मैंने सारी वेजिटेबल्स, मैंने बैंगन लंबा लंबा काटा हुआ है, और ऐसे ही मैंने आलू भी लंबा काटा हुआ है, और ऐसे ही मैंने टोमेटो भी लंबा काटा हुआ है, और ये सब मैं एक साथ इसमें डाल देती हूँ। रेसिपी को इजी बनाना एक हाउसवाइफ के लिए ज़रूरी है, और हेल्दी भी होनी चाहिए, वो भी उसकी ज़िम्मेदारी है, तो और टेस्टी भी होनी चाहिए, वो भी उसकी ज़िम्मेदारी है। तो ये हो गई आपकी इजी आलू बैंगन की रेसिपी। फ्रेंड्स खाने में सब्जी तो बना ही दी थी, और दाल मैंने बॉईल कर ली है, बस उसको छौंक लगाना है और रोटी बनानी है, और उसके बाद अभी मैं बैठी हूँ। तो ये दूसरे पिलर पे मैंने लेस को पेस्ट कर दिया, और आगे से ये फ्रंट पे एक लेस लगाई ताकि वो थोड़ा चौड़ा सा दिखने लगे, और ये नीचे सर्किल लगाए, और ये मैं प्लान कर रही हूँ अभी कि क्या करना है, कैसे करना है। प्लानिंग हर चीज़ में ज़रूरी होती है, तो प्लान करके मुझे ही लगा कि मुझे इस तरह से फ्लावर्स लगाने हैं, और ये बहुत सुंदर लग रहे थे, तो मैंने फ्लावर्स को पहले आपस में अटैच किया, और उसके बाद ये यहाँ पर लगाया। और ये देखिए एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज है नेक्स्ट डे में थर्सडे है आज, तो मैं अभी मंदिर से आई हूँ, और मंदिर आपको पता ही है मैं मंदिर जाती हूँ थर्सडे को, तो बस वही अभी वृक्ष की पूजा करके आई हूँ। और रात फ्रेंड्स मैंने जब झूला दिखाया था, झूला बना रही थी मैं, वो एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया है, आज दूसरा देखते हैं, दूसरा करूँगी। और मैं है ब्रेकफास्ट, फास्ट ख़त्म हो चुके हैं मेरे, तो ब्रेकफास्ट बनाना है। ब्रेकफास्ट में आज बनेंगे जमे वर्मिसली, और बस लाइट रहेगा, थोड़ा लाइट रखती हूँ, और सैंडविच ले लेंगे। और अभी पूजा बाकी है, तथ्या नहाने गई हुई है, तो नहा के आएगी, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ थोड़ा, ताकि वो नहा के आए तो मैं उसको तैयार कर दूँ, रेडी कर दूँ। और बस अभी तो यही स्टेटस है मेरी लाइफ का, अभी आगे आपको दिखाऊँगी ब्रेकफास्ट के बाद क्या होता है।
और ये देखिए, ये है दूसरा पार्ट जिसकी मैं बात कर रही थी कि ये बचा है और इसी पर तो ठाकुर जी बैठेंगे, जब झूला झूलेंगे तो इसी पर तो बैठेंगे। अब हम इस झूले को बस टांगने का हमने इंतज़ाम किया है। एक रस्सी थी मेरे पास, ग्रीन कलर की पत्तियाँ उस पर लगी हुई हैं, बस उसी से टांग दिया और ये पेस्ट किया हमने जिससे हम झुलाएंगे उस लेस को। चलिए अब दिखाती हूँ, ये है दूसरा झूला जो हमने तैयार किया है। और हमारी फैमिली में दो घर में दो ठाकुर जी हैं तो दोनों के लिए झूला तैयार हुआ है। पहली बार ऐसी कोशिश की है हमने लेकिन बहुत सक्सेसफुल हुई है, बहुत सुंदर बने हैं। आज खाना बहुत लाइट है, एक गोभी की सब्जी बनाई है, अदरक रचाया है और कुछ पराठे। सब कुछ हो चुका है, खाना खा चुके हैं और मैं किचन साफ़ करके आ चुकी हूँ अभी, और अभी वॉक करने निकली हूँ बाहर। तो अब बताइए झूला कैसा लगा, जिस जिसको पसंद आया हो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कीजिए। मुझे भी पता लगना चाहिए ना कि आप लोग देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है तो भी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, तो ज़रूर बताइए मुझे कमेंट्स करके। और अभी आज पता नहीं क्यों शाम से ना बहुत बोर फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा बोर, तो खाना भी बहुत लाइट ही बनाया था। क्या होता है ना फेस्टिवल्स में, खाना खाने पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा मेहनत होती है कि डेली में फिर मन नहीं करता इतना। मन करता है कभी एक दाल बना लो तो कभी एक सब्जी बना लो बस। अगर मेरी DIYs मेरी क्रिएशंस आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर 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 कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं अपने चैनल पे आपको वो सब चीज़ें शेयर करती हूँ जिससे मैं अपने घर को हैप्पीनेस से भरती हूँ। तो अपने घर को खुशियों के रंगों से रंगिए मेरे साथ यानी नितिका गोयल के साथ। देखते रहिए कलर होम हैप्पी विद नितिका, स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड प्लीज़ शो योर लव, शो योर ब्लेसिंग्स टू द व्लॉग्स एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड यस गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स।